देख लीजिएगा ध्यान से। अब आते हैं उपयोग पर। इस मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता उपयोगिता यूजेज तो यूज कहाँ है कि जितने भी नए तत्वों की खोज हुई है इसी के आधार पे हुई है। तो यानी कि नए तत्वों की खोज करने में सरलता हो गई, और दूसरी बात कि जो आवर्त सारणी बनाई गई उसके अनुसार सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सरलता हो गई, तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सरलता हो गई। यानी कि जितने भी तत्व होते हैं उनके गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा तत्व किस तत्व से गुणों में समानता रखता है और कौन सा तत्व किस तत्व से क्या है भिन्न हो। प्रत्येक तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में क्या हो गई, सरलता हो गई। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो नए तत्वों की खोज करने में भी क्या हो गई, सरलता हो गई। तो इस आवर्त सारणी से नए तत्वों का नए तत्वों की खोज नए तत्वों की खोज करने में सरलता हो गई। नए तत्वों की खोज करने में सरलता हो गई, यानी कि जितने भी नए तत्व आते गए या नए तत्वों की खोज होती गई तो उसमें नए तत्वों की खोज आसानी से हो सकी। तो इस तरह से यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। अभी इस टॉपिक के बाद पढ़ाएंगे इसमें कमियाँ क्या थी, यानी कि इस मूल आवर्त सारणी में कमियाँ क्या थी उनको उसको पढ़ाना। आप लोग कम से कम वीडियो देखा करिए,
हम्म।